तो एग्जाम्पल है कि बाइट सर्वलेट लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन स्ट्रेट वायर की वजह से जो हमने बी के फॉर्मूलाज किए उसको कैसे लगाना है। सपोज क्वेश्चन में ये वायर यहां से स्टार्ट हो रही है, एक्स पॉइंट से स्टार्ट हो रही है और इनफाइनाइट तक जा रही है, और आपको ए डिस्टेंस दूर बी निकालना है। तो रूल नंबर वन, इस लाइन के नीचे का एंगल कितना है, फाइव वन कितना है, 30, और फाइव टू क्या होगा, 90, क्योंकि इनफाइनाइट के लिए एंगल क्या लिया जाता है, 90। तो जब फॉर्मूला लगाएंगे तो एक एंगल 30, एक एंगल 90 लगा लेंगे जब न्यूमेरिकल आएगा। दूसरा, अगर मान लो आपकी वायर कहां से स्टार्ट होती है, यहीं से स्टार्ट होती है एक्स से, और कहां तक जा रही है, इंफिनिटी, और आपको बी कहां पे निकालना है, एग्जैक्टली यहां पर, यानी कि बिल्कुल वायर का पोर्शन नीचे है ही नहीं। अगर नीचे होता तो मैं एंगल कुछ ना कुछ फाइव वन तो लेता, पर नीचे है ही नहीं तो मैं क्या लूंगा, यहां पर फाइव वन की जगह जीरो। तो एक एंगल तो स्ट्रेट वे क्या बनेगा, यहां पर जीरो, और दूसरा क्या है, इनफिनिटी की वजह से क्या बनेगा, 90। तो क्या बनेगा, जीरो एंड 90। ये स्टेप क्लियर है यहां तक? तो अगर कोई पॉइंट बिल्कुल वायर के साथ ही लाई करता है, जीरो और 90, गुड आउट, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये एक टिपिकल टिपिकल केस है। कैसे, अगर मान लो ये वायर यहां से स्टार्ट होती है और इन्फिनिटी तक जा रही है, और आपका पॉइंट यहां पर है जहां पर आपको बी निकालना है। अब ये बड़ा अलग सा केस है, क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी से यहां से स्टार्ट हो रही है और करंट यहां जा रहा है, और अगर ये पॉइंट यहां होता तो भी सही था, यहां होता तो भी सही, पॉइंट तो यहां बना दिया उसने पी, यानी कि वायर के दोनों एंड इस पी पॉइंट का डिस्टेंस इमेजिनरी परपेंडिकुलर यहां से कितना है, ए। तो दोनों के दोनों एंड पॉइंट्स ऊपर लाई करते हैं इस लाइन के, तो यानी कि फाइव वन भी लिमिट अगर पुट करें तो फाइव वन भी पॉजिटिव एंड फाइव टू भी पॉजिटिव, क्योंकि उस ए डिस्टेंस के दोनों पॉइंट्स ऊपर लाई करते हैं, तो पहला पॉइंट भी और दूसरा पॉइंट भी। तो अगर इस ए डिस्टेंस के नीचे वायर है तो -51 +52, पर अगर दोनों पॉइंट्स ही ऊपर हैं तो इस केस में +51 एंड +52, कोई डाउट इसमें, ठीक है। तो आप चेक करें, अब इसमें ना फॉर्मूला चल नहीं पाएगा। क्यों नहीं चल पाएगा, क्योंकि जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उसमें लिमिट्स क्या पुट की गई थी, -51 से +52। इसमें क्या पुट करेंगे, जो भी हमने इंटीग्रेशन की थी उस इंटीग्रेशन में दोनों लिमिट्स क्या पुट करनी पड़ेंगी, +π/3 से +π/2, दोनों पॉजिटिव। तो जब ये फॉर्मूला डराइव किया था तो कॉस की इंटीग्रेशन साइन थी, एक बार फाई की जगह π/2, एक बार साइन की जगह π/3 आंसर। तो हम क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बना लेंगे, स्टैंडर्ड रिजल्ट है फॉर्मूला। अगर आपकी वायर यहां से ऊपर जा रही है और इसका और आपको बी यहां पे निकालना है एट अ डिस्टेंस ऑफ ए, तो दोनों एंगल 51 52 पॉजिटिव, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो दोनों एंगल 51 52 पॉजिटिव, लिमिट पुट करेंगे एक बार 52 एक बार 51। तो प्लीज ये फॉर्मूला बुकलेट में नोट कर लें, इस डायग्राम के साथ ये फॉर्मूला नोट करें, सीधा अप्लाई करेंगे ये फॉर्मूला, राइट।